इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव में करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को भेजा है और अनुरोध किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पार्टी में ही रहेंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया है, लेकिन इस तरह से जो हार हुई है उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में सोचा है और उन्होंने अपना इस्तीफा अशोक अरोड़ा ने अपना इस्तीफा ओम प्रकाश चौटाला को भेज दिया है और इस हार की जिम्मेदारी ली है। इनेलो की कुरुक्षेत्र में जो हार हुई है उससे भी इनेलो काफ़ी टूटी है और उसके बाद तमाम सीटों पर हार के साथ ही बहुत कम मार्जिन भी कई सीटों पर रहा, वोट का भी कई जगहों पर तो इनेलो एलएसपी बीएसपी से भी नीचे रही है। तो उसके बाद एक जाहिर सी बात है कि पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उन्होंने अपनी उसी जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और पार्टी में रहकर काम करूंगा ये भी उन्होंने कहा है। इस्तीफा तो भेजा है लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में ही रहकर काम करूंगा, ये कहना है अशोक अरोड़ा का। कि बहुत बड़ी हार हुई है पार्टी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमेशा उनका आभारी रहेंगे। उनके परिवार की तरफ से भी लगातार हमें सम्मान मिला और मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने 15 साल तक लगातार मुझे सहयोग दिया, पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि मैंने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है, जनता के फैसले हमारे पक्ष में नहीं आया, इस हार को मैं स्वीकार करता हूं और नैतिकता के आधार पर मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भेज दिया। उन्हें कहा है कि इसे स्वीकार।